आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए आप लोग, फिर चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो या सिविल सर्विस हो या वनडे एग्जाम हो। वनडे एग्जाम एग्जाम कहने का मेरा मतलब रहता है जैसे आपका कोई एसएससी, बैंक, रेलवे हो गया, या कोई स्टेट का एग्जाम होगा, पुलिस का, एसआई का, शिक्षक का, तो उसमें आप देखेंगे इस तरह के इंडेक्स से जरूर पूछे जाते हैं। सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस का तो एक तरह से आप कहिए कि हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपका आएगा, तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना होगा कि कौन जारी करता है, और इसके बारे में और भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन्हें भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अभी हाल ही में आपने देखा है पब्लिक अफेयर इंडेक्स, जिसे आप लोग PAI के नाम से भी जानते हैं, 2020 जारी हुआ है। बेंगलुरु से संचालित गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर सेंटर PAC ने शुक्रवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 जारी की है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि किसने, कौन संगठन जारी करता है, पब्लिक अफेयर सेंटर जारी करता है। ठीक है, और पब्लिक अफेयर सेंटर के बारे में अगर आपको कुछ पॉइंट बताऊं तो पब्लिक अफेयर सेंटर भारत में सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित कार्रवाइयों पर अनुसंधान में संलग्न संस्था है। पब्लिक अफेयर सेंटर कर्नाटक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी सोसाइटी है, जिसकी स्थापना भारत में सुशासन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से 1994 में बेंगलोर में की गई थी। कब? 1994 में। इस डेट को भी अच्छे से याद रखिएगा। यह केंद्र केंद्र सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और पर्याप्तता को मापने के लिए अभिनव सामाजिक जवाबदेही उपकरण का उपयोग करने वाली पहली संस्था है। पब्लिक अफेयर सेंटर नागरिक समाज के नेतृत्व वाली यह पहली संस्थागत पहल है जो भारत में सुशासन की मांग को बढ़ाने के लिए कार्यरत है। पब्लिक अफेयर सेंटर ने 2016 में पहली पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया था। तो याद रखिए, पहला इंडेक्स, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2016 में जारी किया गया था। इस संगठन के वर्तमान अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन है। अभी आपने देखा होगा कि नई शिक्षा नीति आई हुई थी, वो भी इन्हीं के मसौदे पर एक तरह से आई हुई थी, के कस्तूरी रंगन की। तो इसके अध्यक्ष के बारे में भी आप लोग याद रखिए। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 भारत के राज्यों को वहां की सुशासन के आधार पर रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक डेटा संचालित मंच है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में सुशासन का आकलन सतत विकास के संदर्भ में तीन आधारों समानता, विकास और निरंतरता के आधार पर किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इन तीन आधारों को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स जारी किया जाता है। पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल देश का सबसे सुशासित राज्य, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। आप लोगों से कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आप माइनस मार्किंग नहीं है और आपको या फिर दो में डाउट है, एक ऑप्शन दो ऑप्शन में, तो आप लोग केरल को चुनिए कोई भी इंडेक्स आता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब केरल में आप देखिए कि बाकी राज्यों में आपके जात के नाम पर या फिर धर्म के नाम पर वोट पड़ते थे, एक तरह से भक्ति के नाम पर वोट पड़ते थे, उस समय केरल में आपकी शिक्षा का मुद्दा हुआ करता था, रोजगार का मुद्दा हुआ करता था, आप स्वास्थ्य का मुद्दा हुआ करता था। इसलिए आप देखते हैं कि जितने भी इंडेक्स आते हैं उसमें केरल को टॉप पर ही आप पाते हैं। ठीक है, और केरल बेहतर स्थिति में, शिक्षा की स्थिति में देख लीजिए, लिंगानुपात में देख लीजिए आप लोग, महिलाओं की स्थिति में देख लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिए आप लोग, केरल सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे निचले में है, बड़े राज्यों की बात कर रहा हूँ। अब आप में से कई लोगों के मन होगा कि चलिए केरल भी घूम आते हैं। तो ये है एशिया, एशिया में ये है हमारा प्यारा भारत, दिख रहा है भारत, ये आपका पड़ोसी श्रीलंका है, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, अरब सागर, और ये म्यांमार है आपका पड़ोसी, बांग्लादेश है, भूटान है, सबसे ज्यादा सीमा आपकी बांग्लादेश से लगती है, ये ऊपर आपका चाइना है, नेपाल है, और यही भूटान हो गया, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, और ये है भारत। तो उत्तर प्रदेश तो आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश ये है जिसकी लखनऊ राजधानी है, और केरल की अगर बात करें तो हम लोग दक्षिण भारत में चलते हैं, और केरल, ये है केरल आपका, दिखाई दे रहा है बिल्कुल नीचे, ये है आपका केरल, तिरुवनंतपुरम। तो टॉप पर बड़े राज्यों में केरल, और नीचे से अगर टॉप की बात करें तो उत्तर प्रदेश है इसमें।
बड़े राज्यों की रैंकिंग की बात करें तो इस इंडेक्स के अनुसार सुशासन के संदर्भ में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष चार रैंकों पर दक्षिणी राज्य काबिज है। जैसे केरल पहले नंबर पर, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। ये अंकों को आपको याद नहीं रखना होगा, वैसे अपने राज्य का आप याद रख सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा पूछा जाता है। इसमें एक दो तीन चार इस तरह के पूछ सकते हैं। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, चौथे नंबर पर कर्नाटक, पहले पे आपका केरल, फिर आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, ये आपका तमिलनाडु, प्यारा तमिलनाडु, चलिए तमिलनाडु के भी दर्शन कर लेते हैं हम लोग, ये तमिलनाडु। फिर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश हैदराबाद, ये है आंध्र प्रदेश। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में तेलंगाना नया राज्य बनाया गया था। उसके बाद कर्नाटक, ये है आपका कर्नाटक, ठीक है। ये चार टॉप हैं आपके बड़े राज्यों में। वहीं बड़े राज्यों की श्रेणी में नीचे के तीन राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, बिहार। उत्तर प्रदेश आपका आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश आपने देखा ही है, और बिहार ये है, और आप उड़ीसा ये है आपका, ठीक है। छोटे राज्यों की अगर रैंकिंग की हम लोग बात करें इसमें, तो छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को 1,745 PAI के साथ शीर्ष रैंकिंग मिली है। छोटे राज्यों में टॉप पर कौन है आपका? गोवा। कहाँ है आप गोवा? यहाँ आपको वैसे जाते रहते होंगे आप लोग, और जाने का मुझे लगता है कि मौका भी मिलना चाहिए एक आप लोगों को, ठीक है। अब किस लिए जाते हो ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। और इसके बाद आप देखेंगे मेघालय और हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है। हिमाचल प्रदेश आपका ये है, और मेघालय को जानते हैं आप लोग कि एशिया की विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है मासिनराम, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, और ये आपका मेघालय, ठीक है। ये है पूर्वी भारत में मेघालय आपका। इस श्रेणी में सबसे खराब प्रदर्शन की बात करें तो मणिपुर, मणिपुर का है। छोटे राज्यों में सबसे बुरी स्थिति किसकी है? मणिपुर, ये है मणिपुर, म्यांमार से लगा हुआ है, ठीक है। और दिल्ली, उसके बाद दिल्ली, फिर उत्तराखंड। दिल्ली आपका ये है, दिल्ली राजधानी आप जानते हैं, उत्तराखंड ऊपर है, और उत्तराखंड आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात कर लूं हम, तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अनुसार 1.05 अंकों के साथ चंडीगढ़ देश का सबसे सुशासित केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दादरा और नागर हवेली का स्थान आता है। तो याद रखिए केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? चंडीगढ़ टॉप पर। कहाँ है चंडीगढ़? यह है आपका चंडीगढ़। और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे बेहतर स्थिति में है। अगर आपसे छोटे राज्यों में पूछे तो गोवा सबसे बेहतर स्थिति में है। अगर आपसे बड़े राज्यों की श्रेणी में पूछे तो केरल सबसे बेहतर स्थिति में है। और आप देखेंगे कि जब भी आपके देश में देखना, आने वाले समय में कभी भी अगर शिक्षा, स्वास्थ्य इस तरह के मुद्दे, अगर रोजगार इस तरह के मुद्दे, चुनावी मुद्दे बनते हैं, तो आपका देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, फिर चाहे आपका राज्य हो, या स्थानीय मामला हो, या फिर आपका देश का मामला हो। लेकिन हम देखते हैं हमारे देश में अधिकतर चुनाव ऐसे ही निपट जाते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा है बिहार का चुनाव हो रहा है, मतलब आप सोचिए, शिक्षा का मुद्दा, वहां बाढ़ है, बाढ़ हर साल आती है आप देखते हैं, बेरोजगारी की मामला देख लीजिए, गरीबी के मामले में देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति के मामले में देख लीजिए, लेकिन इस तरह के मुद्दे आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। और अब जब इस तरह के मुद्दे नहीं रहेंगे, जात पात के मुद्दे रहेंगे, तो उसका रिजल्ट आपके सामने रहेगा। लॉकडाउन के टाइम आपने देखा कोई घर से नहीं निकला नेता आपकी मदद के लिए, तो फिर भी आप उन्हें वोट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका आप भुगतान भी तो कर रहे हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, आप खुद, हम, आप जिम्मेदार हैं। तो जागरूक रहिए, मुझे लगता है अपने बच्चों को इतना तो पढ़ा दीजिए कि अंधभक्त ही ना करें। अंधभक्ति यहाँ कहने का मतलब है किसी पार्टी की बोल रहा हूं। अभी हाल ही में आपने देखा है कि दिल्ली में चुनाव हुए थे विधानसभा, वहां देखा है काम के नाम पर वोट पड़ा, आपने देखा है गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी सांसद, प्रधानमंत्री साहब, सभी ने एक गली गली जाकर रोड शो किया, फिर भी आपने देखा है अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं पाए, क्योंकि उसने काम किया था। शिक्षा की स्थिति देखिए वहां, अभी हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट वहां प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा है। सरकारी स्कूल के बच्चों ने स्कोर बेहतर किया है प्राइवेट स्कूलों से के बच्चों से, आप सोच सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर रहता है कि आप क्या करते हैं।
कम से कम इतना तो आप लोगों का। और आप देखिए, कोई आपके घर नहीं दे जाएगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। तो इन्हें इस रैंकिंग को याद रखना है, इससे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है,